बड़ी दुखद घटना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठतम नेता और महाराष्ट्र के पार्टी के सर्वोच्च नेता, महाराष्ट्र में पार्टी के सचिव रहे और बहुत बड़े लेखक हैं और आंदोलनकारी हैं और जनता के सवालों को लेकर लड़ते हैं और विशेष रूप से समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ों लोगों की आवाज़ को लेकर लड़ने वाले, उन पर हमला किया। उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ भी पूरा एक अभियान चलाया रखा था। कम से कम 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। कॉमरेड गोविंद पानसारे उनका नाम है। कॉमरेड गोविंद पानसारे हाईकोर्ट के बड़े वकील भी हैं कोल्हापुर में, और सुबह वह अपने घर में ही बाहर वॉक कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ और उनके ऊपर जो है आकर के पिस्तौल से हमला किया गया। मरणासन्न स्थिति में है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, बहुत ही अनिश्चय की स्थिति में है। उनका ऑपरेशन चल रहा है कोल्हापुर के आस्टर अस्पताल में और उनकी पत्नी पर भी हमला हुआ, उनको भी गोलियां लगी हैं। कॉमरेड गोविंद पानसारे के सीने में गोलियां लगी हैं। What I heard regarding the attack on Comrade Govind Pansare is really shocking. I know Comrade Pansare for the last 40-45 years. He is a committed person. He is a person who always fought for his cause and he never compromised on his principles. He is a person who openly attacked certain sections of the society which are creating a sort of communal atmosphere within the society. So I think I can't say who is responsible, but we have seen Dr. Narendra Dabholkar was attacked, and this is the second incident of Mr. Comrade Govind Pansare. I appeal to the government of Maharashtra that they should use their armed forces and go in depth of this attack, and those who are responsible, they should be taught a lesson.